जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आज का रामायण पाठ, बई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी, करी पीला पुरोदती बदती सुतासने हुसवारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, दबु सुदशरथ जर बिहारी। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां बेअक्ल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। असो पुदेसी उमही जिन दीना, भोरे बरी लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले भर के लिए तप किया। सोचे हूँ उनके मोना माया, उदासीन धनुराम न जाया। पर घर गालक लाज नवीरा, भांज की जान पर सब के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है ना माया है, ना उनके धन है ना घर है और ना स्त्री ही है। वह सबसे उदासीन है, इसी से वह दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है ना डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही विकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचारी सोची मति माता, सोना तरी जो रची विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, है माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटी की विधि के अंका, मात बीरत जनी लेहू कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं, वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी देहु मातु कलंकु, करुणा परिहरु अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लीलार हमरे, जाओ जहाँ पाऊ नहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला, सोच ही बहु बांति विधि लगाई, दूषण नैन बारी विमोच ही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं यहाँ चाहूंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे बिने भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और बांति बांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी, गवन तुरत निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, दबु सुदशरथ जर बिहारी। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सभी समझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनू मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। जग जसंभव पालन ले कारिणी, निज इच्छा लीला बपुदारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धंग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दश ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहूं सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी,
तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देख्यो रघुकुल कमल पतंगा, बेऊ महु शिव कहा न कीना, ब्रह्म बस बेसु सीए कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राम रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्म बस सीता जी का वेश धारण कर लिया। सीए बेचु सती जो कीन ते ही अपराध संकल, परिहरी हर विरह जाई बिहोरी, पितु के जग जो गानल जरी, अब जन भी तुम्हारे भवन निज पति लागी, दारुन तपु किया अस जानी संसे तजुगिरी जा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं जो गगनी से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेश छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, शन महु व्याप्यु सकलपुर घर घर ये संवाद, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी मेरे प्रभु राम जय सिया राम। तब नारद के भजन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण बाद में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंत नंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु युवा सियाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सभी हाटक घटनाना, भांति नेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कशु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसी भवन जयी मात भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्म और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पांति बेटी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा, नारी बृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी, चतुर सोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावही, बोजनु करी सुर अति बिलंबु बिनोदु, सुनि सचु पावही, जेवंत जो बड़े ओ आनंदु, सो मुख कोटि हुना परे कहो अचवाई, दीने पान गवन बस यहाँ जा को रिहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बड़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए, फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय श्री राम।